गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, और इसी के साथ हम लोग होमवर्क में अभ्यास बने हल करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, आशीष कुमार सिंह। इसको आगे देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या है -3 और 8, इसके बीच के हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर दो संख्याओं की परिमेय संख्या निकालनी हो बीच की, तो दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर दें, x प्लस वाई अपान में 2। तो सिंपली हम लोग वही करेंगे, -3 और 8 को ऐड किया और उसको 1/2 से मल्टीपल कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया। द आंसर विल बी 5/2। तो -3 और 8 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो कितनी होगी, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसमें बोला है कि -1 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या बतानी है आपको। तो 3 परिमेय संख्या कैसे बताते हैं, जैसे हम 1 निकालेंगे, फिर सपोज दैट ए और बी दो परिमेय संख्याएँ हैं, तो बीच की परिमेय संख्या सी कैसे निकलेगी, ए प्लस बी अपान में 2। अगर उन दोनों के बीच में अगर हम पेयरिंग करें तो 2 पेयर बनता है। पहला पेयर बनेगा ए और सी के बीच में, दूसरा पेयर बनेगा सी और बी के बीच में। तो वही काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, -1 और 7 के बीच में निकालेंगे। कैसे निकलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, -1 धन 7/2, तो 7 में से 1 गया 6, 6/2 मतलब 3। तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या है वो कौन सी है, 3। ऐसे ही अब की बार हम -1 और 3 के बीच में निकालेंगे। यहाँ से आप देखिए, ये पहला पेयर -1 और 3 के बीच में, फिर हम निकालेंगे 3 और 7 के बीच में। तो बिल्कुल आप वही सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, -1 और 3 के बीच में हम निकाले हैं 1 और 3 और 7 के बीच में निकाले हैं 5। अब ये जो 3 और 5 है वो सिमिलरली उसी के बीच में एग्जिस्ट कर जाएगी। तो अब -1 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या आ चुकी हैं, 1, 3 और 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब की बार 9 परिमेय संख्या निकालनी है। तो भाई कोई समस्या नहीं है, जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो आप 1/1 कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया, दोनों को जोड़ा, 2/2 किया, तो उन दोनों पर्टिकुलर नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट एक मेथड और है, जैसे पहली परिमेय संख्या कौन सी है, 1/3, दूसरी कौन सी है, 1/2। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले b-a कैलकुलेट कर लेना है दोनों को घटा के। 1/2 में से 1/3 सबस्टेक होगा, बचेगा 1/6। कितनी रेशनल नंबर चाहिए, तो 9। 9 से एक ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, 10। अब क्या करेंगे, b-a को 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो 1/6 को 10 भागों में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1/60। अब 1/60 से ही हम बार बार परिमेय संख्याओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली परिमेय संख्या 1/3 धन 1/60 जो आया रहेगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, अगले में 1/3 धन 2 × 1/60, अगले में 1/3 धन 3 × 1/60। ये जो मेथड है ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमको ज़्यादा मात्रा में परिमेय संख्याएं निकालनी हो। 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, आप आराम से जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो वो लंबा प्रोसेस होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली परिमेय संख्या धन जिस नंबर की परिमेय संख्या निकालनी हो वो मल्टीपल में जो फ्रैक्शनलाइज पार्ट आया रहेगा। ऐसे ही हम आराम से हल कर सकते हैं। ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, शून्य परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है। इसमें सही गलत बताना है आपको। नेक्स्ट में परिमेय संख्या निकालनी है सबके बीच में, 1 1, तो 1 1 तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये जो भी एक्सरसाइज है ये आप लोग हमको करके, एज अ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, और होमवर्क करने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। कल कुछ बच्चों ने किया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे। नेक्स्ट, अब की बार इसमें 2 2 परिमेय संख्या निकालनी हो, तो 2 परिमेय संख्या निकालना भी आसान है, अगर 1 निकल सकता है तो आराम से आप निकालिए। यहाँ पे 3 निकालनी है, तो 3 निकालने के लिए भी हम summation/2 यूज़ कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी आप फ्रैक्शनलाइज वाला फार्मूला यूज़ करिए। दोनों को घटाइए, फिर हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, जितनी परिमेय संख्या निकालनी रहती है उससे एक ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए, और फिर पहली परिमेय संख्या धन जिस नंबर की परिमेय संख्या चाहिए वो गुड़े फ्रैक्शनलाइज पार्ट, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट में आपको 9 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ तो आपको पक्का फ्रैक्शनलाइज मेथड यूज़ करना पड़ेगा।
तो ये थी आज की कक्षा। देखते रहिए, अपने साथ के और भी लोगों के साथ केयर करिए। आज की पढ़ाई के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें। कोई भी समस्या होने की स्थिति में आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 6394814336। थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड बाय।